मैं तुम्हें कहा कुर्सी को साफ करने के लिए। जी महाराज। जाकर कुर्सी पर बैठ गए। आज तो जवानी वाला जोश दिखावे छो। कुर्सी को महाराज साफ कर रहे थे। कुर्सी को साफ फुच फुच कर दो है, लेकिन किस वस्तु से? बरस से। बरस से? बरस बरस। लेकिन तुम्हारे पास बरस है कहाँ? मारूंगा बरस तोड़ कर खेत में फेंक दूंगा, कपड़े लेकर हाथ से साफ कर। महाराज बैठिए, कुर्सी साफ कर दिए। कुर्सी साफ हो गई जी। चढ़ा बार बार प्रणाम करना बाबू के मुझे लहरा लगे। अब कौन आने पार तुम रोएगा? अब नहीं। महामंत्री इस वक्त जाओ राजमहल। जी महाराज। राजमहल जाकर महारानी को सूचना दो कि महाराज दरबार में बुलाए हैं। आप महारानी के बिगड़ राज दरबार में उदास है। हाँ महामंत्री। महारानी की लहर हमारा उतारे छो। हाँ आप महाराज कुछ पल के लिए राज दरबार में इंतजार करें, और अभी अभी बुलाएंगे हम उत्तमपुर महल की राजमाता से। ठीक है जी। अभी अभी तब तक मैं दरबार में घूमता हूँ जी। क्यों नहीं महाराज, और तुम जल्द ही जल्द महारानी को दरबार में बुला दिया। महाराज का गुस्सा देख लो बड़का हो। ई मर्दवा जब तक हमरा नहीं मारथन एरा मने नहीं लागल। कहिए ने कहिए हमरा मारिए ले छी। जब तक हमरा नहीं लागथन तो हमरो बेटी गरम नहीं होथन। आवे कुछ चार्ज भेलिए ई मुरला घसनी कत्ता कत्ता दिक्कत में लिए भाभी सब पूछे छी। आ कल्ले हंसी आ रही है दोस्त। अभी अभी आप लोगों ने देखा और सुना महाराज की आदेश है। चाय बना दियो हो घर में बाबू। व्यवस्था अभी जीत चालू कर दो। अरे अभी अभी आप लोगों ने देखा और सुना महाराज की आदेश है। उत्तमपुर महल की रहने वाली राजमाता को बुलाकर राज दरबार तक लानी है, और महाराज मिलने के लिए बेकरार है। ये कैसे इन्हें चाय पत्ती और आएगी? ये कहते हैं जिंदगी की सफर में इम्तिहान करते हैं, जिंदगी की सफर में इम्तिहान करते हैं। इस कंपनी में जो कर रमेश बिहारी आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं। बुरवा काम झलक छी। हां बड़का वो बुरवा दूरबीन लगाए हमरा मुंह देखे छी। दिन नहीं मिलियो एक खैर रोड पर मिलबे दोनों बाबू। कोई देर का बात जीवे भया नहीं है। और आइए मिलेंगे सबसे पहले इस महल की रहने वाली राजमाता से। आवाज लगवे छे रास्ता खाली कर दियो हो। बेचारे जी अत उच्च ढाल ले छे गिरी नहीं जाए। हाय हाय आहे बेलिया हे खा जाओ पूरी तरकारी हो। अवरिया हेरा
श्रीमान मंत्री जी बेचारे के बजा वाला लारे झगड़े कहने छो हां बेचारे के तन गोबर का वो चेहरा देखि लो कौन ता यादव चेहरा खत्म की करबो नसीब नहीं छे हां महाराज जी अभी अभी आपको बुलाए हैं और किसने बुलाए शायद आपको मालूम नहीं नहीं है मालूम राज दरबार में महाराज मिलना चाहते हैं राज दरबार में मुझसे कौन भी निकले चाहते हैं तो स्वामी जी क्या मेरी स्वामी जी ना हमरे स्वामी जी कहनो भरमाई जलोने से मत चलिए महाराज के पास ठीक है यहाँ से जल्दी चलो मेरी स्वामी जी के पास आइया को ढूंढ लकर मकसद क्या है स्वामी प्रिय महारानी राजमहल से तुम्हें राज दरबार तक बुलाने का एक ही कारण है मैं तुमसे विचार परामर्श लेना चाहता हूँ महारानी हाँ स्वामी जब जब भी मैं ऊंची सिंहासन पर आकर बैठता हूँ
जैसे ऊंचे सिंहासन को देखता हूँ तो मेरा दिल और दिमाग घूमने लगता है।